भारद्वाज, आपका अपना वीज़ा एडवाइज़र। जैसे कि आपको पता है, जब भी मुझे टाइम मिलता है, मैं अपने फ्रेंड्स जो यूट्यूब फॉलोवर्स हैं उनको, सब्सक्राइबरों को मिलने की कोशिश करता हूँ। और आज मेरा टोहाना से वापसी चंडीगढ़ का जो सफ़र था, उसके लिए सुबह हमने आपको मिस्टर धर्मपाल जी से मिलवाया था कि जो स्पेशली सारे होटल को मतलब ढूंढते हुए मेरे पास पहुंचे। उन्होंने टोहाना के सारे होटल जो हैं देखे, कहाँ पे मैं रुका हूँ, क्योंकि मैंने लाइव में कहा था कि मैं बस अड्डे के नज़दीक हूँ, लेकिन रियलिटी में मुझे होटल का नाम नहीं पता था मैं कहाँ पे हूँ। तो उनसे मुलाकात हुई, मेरा टोहाना से चंडीगढ़ का सफ़र था। धर्मपाल जी स्पेशली मुझे चंडीगढ़ छोड़ने के लिए अपनी गाड़ी में ले के आए हैं, और इस समय हम समाणा में बैठे हैं। समाणा पटियाला के बाजू में पड़ता है। तो यहाँ पर भी हमारे एक चहेते हैं मिस्टर हरप्रीत जी, तो उनका ये अपना इंस्टीट्यूट है यहाँ पे, जहाँ पे हम लोग बैठे हैं। तो इनसे भी मीटिंग की, बैठे, प्यार से बात की, चाय पानी किया। हर बार ऐसा नहीं होता है कि हम डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग ही मिलते हैं, लेकिन जब हम बैठते हैं तो नेचुरल बात चल पड़ती है। तो पहले तो मैं अप्रिशिएट इनका करता हूँ, धर्मपाल जी का, जिन्होंने मुझे अभी टोहाना से चंडीगढ़ का जो सफ़र है वो नियर अबाउट 150 किलोमीटर प्लस है। तो मुझे अपनी गाड़ी में स्पेशली चंडीगढ़ छोड़ने के लिए एक रिस्पेक्ट दी, और ले के आए हैं स्पेशली अपना काम काज सारा छोड़ के। और आगे आकर मिस्टर हरप्रीत जी से जो बात हुई, तो इन्होंने कहा कि सर यहाँ से जब भी गुजरो तो मिलते जाना। तो आज यहाँ पे बैठे हैं। तो डिस्कशन हो रही थी डॉक्यूमेंटेशन की, इंस्टीट्यूट दिखाया इन्होंने अपना, सिलाई सेंटर का, कंप्यूटर का और ब्यूटिशन का, ये जो है मिशन, जो भी इनका गवर्नमेंट मिशन सेंटर का कॉन्ट्रैक्ट है, चला रहे हैं, बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई करवाते हैं। चलो बड़ी अच्छी बात है, चाहे गवर्नमेंट से फीस लेते हैं या कमीशन लेते हैं, कुछ भी है, लेकिन बच्चों को स्टडी जो है वो फ्री जा रही है। बहुत ही बड़ा मतलब है हमारी गवर्नमेंट का, जो इतना तो इन्होंने मिशन शुरू किया है। अप्रिशिएट करता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट को, मोदी सरकार को, कि जो भी चल रहा है बड़ा अच्छा चल रहा है। सो डैट कि आज हम यहाँ बैठे थे तो मिस्टर हरप्रीत जी, जिन्होंने मेरी गाइडलाइन से अपनी फाइल को तैयार किया है, फाइल दिखा रहे थे, इनकी अपॉइंटमेंट है 1 तारीख को। तो देखो, जो ऊपर वाले को मंजूर होगा वो इनका रिजल्ट आएगा, लेकिन वो डॉक्यूमेंटेशन मैंने देखे हैं, जस्ट देखे हैं, क्योंकि मेरे आने से पहले इन्होंने प्रॉपर, इनको जैसे मैंने गाइड किया था इन्होंने कर लिया अपना काम। तो अभी यहाँ पे हम सिर्फ इनके साथ मिले जुले, आपको एक चीज़ इनसे मीट करवाता हूँ, इनके रिव्यूज़ क्या हैं इस चैनल के प्रति, वो आपको मैं जस्ट मीट करवाता हूँ। मिस्टर हरप्रीत जी, क्या मैं हरप्रीत सिंह परसों भी सर लाइव होया सी, तो कहना चाहूँगा सर का चैनल है बहुत वधिया। तो अज जो सर की कॉल आई तो उन्होंने कहा मैं टोहाने तो वापस चंडीगढ़ जा रहा, तो मैं सर को कहा भी सर मेरे को विजिट करके जाओ। तो सर आ गए भी, तो इंस्टीट्यूट के बैठे हैं सर, मैं अपने जोड़े डॉक्यूमेंट इन्होंने कहे से उस दिन रात में तैयार किए वो दिखाए। तो देखो हूँ जो भी इन्हों का रिजल्ट आता है की है की गल, तुम एक गल दस सकते हो कि चैनल तो सैटिस्फाई हो? हाँ जी हाँ, चैनल तो बहुत सैटिस्फाइड हाँ। तो काफ़ी बार इन्होंने असी डॉक्यूमेंटा रिजैक्ट भी किया, 3-4 बार मैं रिजैक्ट भी किया कि हाले रुक जाओ हाले नहीं। इंस्टीट्यूट के आप मालिक भी कह सकते हैं, एज ए प्रिंसीपल भी कह सकते हैं, बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। तो सो डैट कि मैं यही दसना चाहवागा कि इन्हों की जो है फाइलिंग लग रही है, मैं डॉक्यूमेंटेशन जस्ट चैक किए ने, मैं हाथ भी नहीं लाता डॉक्यूमेंटा बनाने के लिए, मैं कुछ नहीं इदा की गाइडलाइन करता मेकिंग नहीं करता, डॉक्यूमेंट बनाता नहीं है मैं, एज पर दिल की संतुष्टि है कि उन्होंने चैक करके दस देता कि इतने गलती है, जो मिसटेक से कुछ था वो उन्होंने दसता। इन्हों की फाइल जो इन्होंने आप खुद प्रोपर प्रीपेयर की है, जो गाइडलाइन एक कवरिंग लैटर की आइटनरी दी सी तो दिती है। हर कोई मैंने कवरिंग लैटर मंग रहा है, कल मैंने किसी ने कमेंट किया कि हरप्रीत जी का नंबर दो, तो हरप्रीत जी मैं थोड़ा नंबर शेयर कर सकता? नहीं सर प्लीज, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट काम करते हैं, तो एक खुद कह रहे कि मैं नंबर शेयर न करा, तो मैं नंबर शेयर नहीं कर सकता प्लीज़, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट प्रिंसीपल है, बच्चे के नाल रहेंगे, अभी तो बार बार फोन अटेंड करना इन्होंने पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आई एम सॉरी, मैं ये नहीं कहूँगा कि इदा की कोई गल है, बस गल इतनी की है कि अपने काम को देखते हुए, अपने काम काज को देखते हुए मना कर रहे हैं, बाकी इन्होंने कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हरप्रीत जी, मैं हमेशा एक आइटनरी के एक टैक्नीकल न्यू टैक्नोलॉजी का एक पॉइंट दसता है, क्या तुम जानते हो कि आप किया है? हाँ जी, जिस आप फोटो लाई है, फोटो लगाई है उसके, तो लगता कि वो लोगों नाल अपन हर मतलब ओपनली शेयर करना चाहिए? नहीं सर, वो आप ओपनली शेयर नहीं कर सकते, बिकॉज देखो असी करते पे सोशल वर्किंग, लेकिन जिस जिस भी इंसान को समझ आ गया या कर लिया, वो बिजनेस बन जाना है। तो प्लीज़ इस गल को अंडरस्टैंड करो,
ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਟਰ ਮਤਲਬ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨਾ ਧਰਮਪਾਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆਏ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਧਰਮਪਾਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਟੁਹਾਣੇ ਮਿਲੇ ਨਾ ਕੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਜ਼ ਏ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਦੇਖੋ 200-250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ ਟੁਹਾਣਾ ਤੋਂ 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਲੀਨੋ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਛੱਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਉ ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਥਾ ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਾੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੋ ਡੈਟ ਕਿ ਇਹ ਧਰਮਪਾਲ ਜੀ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਟਲ 'ਚ ਲੱਭਦੇ ਆ ਗਏ ਧਰਮਪਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਬਸ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਕੇ ਜੋ ਆਪਕੀ ਬਾਤੇ ਪੱਲੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਸਮਝ ਪਾਏ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇਤਨਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋ ਫਾਈਲ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ तो आपको क्या लगता है जैसे आपने उससे पूछा आपके बच्चों की कैनेडियन फाइल स्टूडेंट फाइल लगी थी हाँ बस वो किसी चक्कर में पड़ गए बच्चे वही लेके बैठ गए हैं तो आपको क्या लगता है कि अभी जो आपने मुझसे डॉक्यूमेंटेशन की गाइडलाइन ली है या बात की है या जो मैंने आपको बताया क्या उससे आप संतुष्ट है आपको लगता है दोस्तों पेपर बहुत कम दें और उन लोगों ने पेपर बहुत ज़्यादा मांगे थे और इत्तफाक की बात है मैं अकाउंटिंग मैनेजर हूँ ये भी अकाउंटेंट है देखिए इनकी उम्र जो है 50+ है बट अकाउंटेंट है अकाउंट्स का वर्क करते हैं एजुकेटेड है तो ये भी अकाउंट्स का काम करते हैं तो आप समझ सकते हो कि पढ़े लिखे हैं तो बीए क्लासेस इन्होंने की है बीए की है जब इन जैसे लोग अगर बातों से सेटिस्फाई हैं या समझ सकते हैं तो मुझे लगता है कि आप लोगों को भी सेटिस्फाई होना चाहिए ਧਰਮਪਾਲ ਜੀ ਆਪ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਸੇ ਲੋਕੋ ਕੋ ਕਿਆ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਬਸ ਐਡਵਾਈਸ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿ ਆਪ ਜੋ ਲੋਕੋ ਕੋ ਬਤਾ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਮਝਣਾ ਸਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਔਰ ਫਾਲਤੂ ਕੇ ਚੱਕਰ ਮੇਂ ਇਨ ਦਲਾਲੋਂ ਕੇ ਚੱਕਰ ਮੇਂ ਨਾ ਪੜੇ ਜੋ ਆਪਕੇ ਹਿਸਾਬ ਸੇ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਜੋ ਆਪ ਬਤਾ ਰਹੇ ਹੈ ਉਨਕੋ ਜੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਸੇ ਹਾਂ ਆਪ तो दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ एडवाइजिंग देता है चैनल किसी भी तरह का इमिग्रेशन या एजेंटी का काम नहीं करता है तो लास्ट में सिर्फ इतनी बात बोलूँगा कि कोई एक मिनट किसी के लिए नहीं निकलता है ये पूरा दिन निकाल के और गाड़ी में तेल डाल के मुझे लेके आए हैं इनके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है कि लेकिन जो एक इंसानियत का रिश्ता है टू मच गुड वो सबसे बड़ा है लेकिन आजकल के टाइम पर समझता कौन है इंसानियत वही बात है कुछ लोगों में रह चुकी है तो चलो मुझे भी किसी से कुछ नहीं लेना देना है एक प्यार है एक दिल की भावना है जो मैं आप लोगों के साथ बांटता हूँ ये जो था ये जस्ट एक एक्सपीरियंस था कि आप लोगों को हेल्प करनी चाहिए एक दूसरे की तभी दिल को शांति मिलती है एक दूसरे की टांग खींच के कोई फ़ायदा नहीं है अब आपकी बात करूँ तो आपने मुझसे डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बात की तो आपको संतुष्ट हो आप बिल्कुल संतुष्ट है ये इनके बोलना है क्योंकि देखो एज्ड भी हैं समझते भी हैं आज की जनरेशन तो काफ़ी पढ़ी लिखी है तो उनको भी समझना चाहिए एनीवे थैंक यू सो मच एवरीवन अगर टाइम मिला तो नाइट में जो है लाइव टेलीकास्ट होगा और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर कोई ना कोई वीडियो हम लगाते रहेंगे आपको बताते रहेंगे थैंक यू सो मच बाय बाय